दोस्तों, मैं आपको आज बताने जा रहा हूं कि डायबिटीज के मरीज ऐसा क्या करें जो बिना इंसुलिन के उनका शुगर कंट्रोल हो जाए और उनको इंसुलिन पर आने की नौबत ना आए। अगर आप चाहते कि आपका शुगर जल्दी कंट्रोल हो, इंसुलिन की नौबत ना आए, तो सबसे पहले क्या करना होगा आपको, आपको अपना डाइट में कार्बोहाइड्रेट जो है 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट क्या हुआ, रोटी, चावल, आलू, फल और दूध, इसमें आता है। तो टोटल डाइट का 50% कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए प्लस फैट। दुर्भाग्य से हम इंडियन लोग फैट कम खाते हैं। स्टडी में देखा गया कि इंडिया में एवरेज पॉपुलेशन जो है 15% कैलोरी का फैट यूज करती है, जो कि फैट ज़्यादा यूज करना है। आपको क्या होता है, देखो कि आपको ड्राई फ्रूट, जो हमारे गाइड इंडियन गाइडलाइन बोलते हैं कि हर व्यक्ति को 20 ग्राम ड्राई फ्रूट डेली खाना चाहिए, वो ड्राई फ्रूट अखरोट बेस्ट होता है, बादाम, आलमंड भी अच्छा होता है। जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, उसमें मूंगफली दाना वो इक्वली गुड है। तो इन सब में क्या होता है कि मूंगफली दाना में मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड मूफा फैट होता है, फाइबर होता है, प्रोटीन होता है, जो कि शुगर कंट्रोल में हेल्प करता है। इवन हार्ट के लिए फायदा, बैड कोलेस्ट्रॉल को, एलडीएल कम करता है, गुड को बढ़ाता है। तो आपको ड्राई फ्रूट 20 ग्राम तो मिनिमम खाना है। बेटर अगर आप और ज़्यादा खाएं, करीब 35-40 ग्राम डेली ड्राई फ्रूट खाएंगे तो आप शुगर कंट्रोल में हेल्प करेगा। तो इस तरह से आप जो है, तो आप ड्राई फ्रूट अपने डाइट बढ़ाएं, प्रोटीन बढ़ाएं। हम इंडियन प्रोटीन बहुत कम खाते हैं। आप मिस्सी रोटी खाइए, अगर आप पे पनीर है, चीज़ है, दाल है, न्यूट्रिला है, सोयाबीन है, चाहे प्रोटीन पाउडर भी लेते हैं। जो लोग नॉनवेज खाते हैं, अंडे खाएं, येलो हटा के चिकन खाएं, फिश खाएं, इवन अभी नई नई स्टडी आ रही है कि इवन मटन भी बुरा नहीं है। इवन सैचुरल फैट भी, स्टडी आ रही है कि सैचुरल फैट इतना बुरा नहीं जितना हम जितना पहले हार्मफुल समझते थे। कुछ सैचुरल फैट जो है आपका एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, साथ में गुड एचडीएल को बढ़ाता है। ओवरऑल एलडीएल बैड कोलेस्ट्रॉल और गुड कोलेस्ट्रॉल रेशियो बराबर रहता है। तो सैचुरल फैट से हार्ट खतरा नहीं बढ़ता। इवन स्टडी आई है, इवन आपका घी जो है, घी भी अगर सही मात्रा में लेंगे तो इससे आपको हार्ट खतरा नहीं बढ़ता है। बट एक्सेस किसी नहीं लेना है आपको। सैचुरल फैट टोटल डाइट का 8%, 7-8%, मोनो सैचुरल फैट 10-15%, और पुहा, पुहा में देखिए, जैसे कि हमारा राइस ब्रैन ऑयल हो गया, सैफलर ऑयल हो गया, सनफ्लावर ऑयल हो गया, ये सोयाबीन ऑयल हो गया, ये 10%। तो ये सबका बैलेंस बनाएंगे, मतलब क्या दो तीन ऑयल मिला के या अलग अलग करके खाएंगे तो आपको शुगर भी कंट्रोल रहेगा, हार्ट के बचाव होगी, आपको कोलेस्ट्रॉल भी कम होगा और लॉन्ग टर्म है। प्लस एक्सरसाइज करो, वेट कम करो। तो आप प्रॉपर डाइट लेकर के, प्रॉपर एक्सरसाइज करके, खूब सलाद खा करके, आप शुगर कंट्रोल करके आप कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं। तो उसके लिए आपको, मैं केस हमारे पास पेशेंट है जो मैं घर से देख रहा हूँ आजकल, आज से 1 साल पहले मेरे पास आए थे, जो दिन भर में कुल 7 गोली खा रहे थे, इसके बावजूद भी खाली पेट 250 से ज़्यादा और HbA1c मोर देन 10.2 था। फिर लास्ट टाइम जब आए थे, इनको मैंने कुछ डाइट चेंज किया था, मैंने कुछ मेडिसिन चेंज किया था, आज इनका ब्लड शुगर बिलो 100 आ रहा और HbA1c 5.4 आ रहा। तो पहले उनके मुंह से खुद सुनते हैं कि उन्होंने क्या चेंज किया है जिससे उनका डायबिटीज कंट्रोल आ गया है, दवा के अलावा। बेसिकली डाइट में चेंज किया, मतलब बड़ा यूनिक चेंज किया है जिससे उनका डायबिटीज कंट्रोल बिना इंसुलिन का आ गया है। वो डॉक्टर बोल रहे थे कि आप इंसुलिन आना पड़ेगा, आज के इनका HbA1c 5.4 है। तो उनके मुंह से खुद सुनते हैं और फिर हम बात करेंगे। आपका माइक के नज़दीक ले दें, बताइए भाई साहब, आपने क्या चेंज किया जो, और कैसा फील कर रहे अभी, जो डायबिटीज कंट्रोल बिना इंसुलिन आ गया। डॉक्टर साहब, मैं पहले जिनको दिखाता था उन्होंने डाइट के बारे में तो कुछ नहीं, एक पर्चा दे दिया था छपा हुआ कि ये खाना है, ऐसे खाना है बस। आपके पास आने के बाद कार्बोहाइड्रेट, गुड फैट, प्रोटीन, फाइबर का जो है मुझे मालूम पड़ा। ठीक है, और ठीक। आपने एक बात बोली कि आप लोग जब शुगर बढ़ जाती है तो सूखी रोटियां खानी शुरू कर देते हो, वो और ज्यादा नुकसान करती है। तो वो मैं ऐसे ही करता था, आपने कहा नहीं रोटी को चिपड़ के खाओ, तो मैंने जैसे आपने डाइट प्लान मुझे बताया, मैंने नाश्ते में 3 अंडे ऐड करे, 2 सवेरे जो है ना एक कटोरी दाल, एक रोटी, दोपहर में सलाद रुकिए और रुकिए रोटी। रुकिए रुकिए, पहले पहले नाश्ते में कितनी रोटी खाते थे पहले आप? पहले नाश्ते में मैं सूखी रोटी खाता था कितनी बिल्कुल कितनी एकदम, और दो कितनी तीन रोटी खाता था मैं। तो पहला चेंज के नाश्ते में आपने रोटी 2-3 से 1 कर दी, आपने आपने प्रोटीन बढ़ा लिया, प्रोटीन अंडे बढ़ा दिए उन्होंने बिना येलो के, प्लस दाल बढ़ा दिया, तो दाल से फाइबर बढ़ गया, ठीक है, और प्लस थोड़ा फैट ले लिया आपने। क्या होता है कि अगर आप हेल्दी फैट खाओगे, जैसे कि राइस ब्रैन ऑयल,
सरसों तेल, मूंगफली का तेल, इसके बाद ये क्या नाम कि तिल का तेल, ऑलिव ऑयल, ये सब हार्ट को फायदा करते हैं, कोलेस्ट्रॉल को आपको घटाता है सर और मैंने आपका वही कहा, शुगर मैं पहले कंट्रोल भी देसी रखता है। जी, हाँ मैं सर पहले देसी घी के पराठे खाता था, मैंने ऑलिव ऑयल के खाने शुरू कर दिए, मेरा हाई कोलेस्ट्रॉल चल रहा था, कोलेस्ट्रॉल भी मेरा बिल्कुल नॉर्मल से नॉर्मल आ गया एकदम से। बहुत बढ़िया। तो ठीक है, आपने लंच में ब्रेकफास्ट ये चेंज किया, लंच में क्या किया आपने चेंज? सर लंच में मैंने करा, मैं लंच में बिल्कुल बिना घी लगी सूखी रोटी खाता था सब्जी के साथ, फिर मैंने जो है ना ऑयल लगा के रोटी खानी शुरू करी, सब्जी के साथ सलाद बढ़ा दी थोड़ी सी मैंने, और एक ठीक। कटोरी दाल सब्जी जो मिल जाती है उसके साथ आराम से दो रोटी मैं पूरी खाता हूँ दोपहर में एकदम। पहले कितने खाते थे? पहले 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 भी सर रोटी तो मैं दो ही खाता था, बाकी क्या है मैं बिल्कुल सूखी रोटियां खाता था, अब मैं जो है ना उसके ऊपर चिपड़ के खाता हूँ ऑयल जैसे आपने बताया है, तो वैसे ही आपका खाता आ, हूँ उसको आपका मैं। आपका वेट कितना है? वेट सर मेरा वेट है 74, हाइट कितनी? हाइट हाइट है सर मेरी 5 फुट 6 इंच ठीक है, वेट थोड़ा ज़्यादा है। वैसे हमारी जी। सलाह क्या रहती है कि जो फैट क्या होता है, देखो पर डे टोटल डाइट का कैलोरी जितना चाहिए आपको, करीब 25 से 30% फैट खाना चाहिए। उस जी फैट में आपको जी जो घी बोल रहे, आप घी बोले घी ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। जी सेचुरेटेड फैट 7% कम होना चाहिए। जी मोनो अनसेचुरेटेड फैट लाइक मस्टर्ड ऑयल, इसके बाद आपको ये ग्राउंडनट ऑयल, आपको सर ऑलिव मैंने वही ऑयल। घी बंद करके ऑयल कर दिया ना सारे। हाँ हाँ ये क्या ठीक, वो ठीक है, ठीक है आपने। हाँ तो और ये सर ज़्यादा मैं लेना जो है ना आपको। सवेरे हाँ सवेरे 10 बजे नाश्ता करने के बाद वही 12:30 बजे एक फल जैसे सेब है कोई भी मौसमी फल आ रहा वो लेता हूँ, ठीक है। अच्छा फिर लंच का, फिर ऐसे ही सर डे 4 बजे चाय ले लेता हूँ मैं, हाँ फिर 5-6 बजे के करीब वही एक फल जो है ना पपीता है केला है जो भी है जो भी मिल जाता है फल, एक फल खाता हूँ रात को, अच्छा फिर मैं ऐसे ही खाना खाता हूँ जैसे आपको बताया मैंने, कितनी कितनी रोटी, रात को सोते समय 1 गिलास दूध लेता हूँ कितनी मैं, रोटी खा, रोटी रात कितनी रोटी खा रहे हैं? रात को भी सर 2 ही रोटी खाता हूँ मैं पहले कितनी खाते थे पहले? सर। पहले जो है ना ऐसे कुछ नहीं था, दो तीन क्योंकि भूख ज्यादा लगती थी 3 भी खा लेते थे। अच्छा कुछ ड्राई फ्रूट भी खा रहे हैं क्या? हाँ सर और इसके बीच में अगर मुझे भूख लगती है तो मैं काजू बादाम और पिस्ते अपने बैग में रखता हूँ, मार्केट वार्केट में होता हूँ तो अपने बैग में से निकाल के उन्हें खा लेता हूँ पहले पहले बीच में पहले क्या खाते थे बीच में? सर। पहले तो कुछ नहीं खाते थे, पहले तो जो है ना मेरे यूरिन में प्रोटीन आ रहा था तो मेरे को प्रोटीन बंद कर दिया था खाना, उससे शुगर भी कंट्रोल नहीं, आपने कहा नहीं प्रोटीन खाना है थोड़ा सा और जो है ना ऐसे ऐसे करना है, अब मेरा माइक्रो एल्बुमिन 11 आ गया 125 से सर हाँ तो सुनिए, जब भी यूरिन प्रोटीन या माइक्रोल पॉजिटिव आता है तो जी प्रोटीन हम कहते हैं ज़्यादा मत खाओ, जी प्रोटीन नॉर्मल से थोड़ा कम खाना चाहिए, पर मना नहीं जी है। अब प्रोटीन जी एकदम कम खाओगे तो मसल गल जाएंगी। जी जी नॉर्मल सर अब तो नॉर्म जो है ना जैसे नॉर्मल शरीर में बहुत रुक ज्यादा यार रुक भी यार रुक यार रुक यार, नॉर्मल व्यक्तियों को जो है 1 ग्राम प्रोटीन पर किलो पर डे खाना चाहिए, और आपके यूरिन में प्रोटीन एल्बुमिन आ रहा था, आपको 0.8 ग्राम प्रोटीन पर किलो पर डे खाने, पर थोड़ा कम खाना, ज़्यादा नहीं, कम नहीं खाना है। आप दाल खा सकते हो, दिन में 2 अंडे खा सकते हो, प्रोटीन पनीर खाना 3-4 पीस एक टाइम खा सकते हो। जी नॉर्मली डायबिटीज वालों को कम से कम डाइट का 25% प्रोटीन खाना चाहिए, बट अगर जी जी आपको क्या नाम कि प्रोटीन लीक कर रहा, तो आपको थोड़ा कम करके 15-20% खाना चाहिए, थोड़ा सर प्रोटीन मेरा कम एक खाना सौ है। 125 से सर मेरा 10 ही आ गया अब तो प्रोटीन लीक नॉर्मल आ गया, ठीक आ गया। तो जी। आपने जो और क्या चेंज किया अपने डाइट में, और क्या चेंज किया बताओ? सर मैंने डाइट आपका जो 1900-1800 कैलोरी वाला चार्ट है उसको पूरी तरह से फॉलो करा है, और उसको ठीक फॉलो करते ही मेरा 1 महीने में ही एच बी 1 ए सी 7 आ गया था, और दूसरे तीसरे महीने में ये चेक कराया 5.4 आ गया सर। ठीक, वैसे अच्छी बात है। आपने तो देखो क्या कि सबसे बड़े, और कुछ और क्या किया बताओ, और बोलो और क्या किया आपने, और बोलो। सर बस मैंने वॉक शुरू कर दी, 1 घंटा सुबह वॉक करता हूँ हाँ तो 1 घंटे वॉक, 45 मिनट वॉक बहुत जरूरी है। और क्या किया आपने? सलाद बढ़ाया, और क्या किया आपने? सर, बस यही ड्राई फ्रूट्स बढ़ाए, सलाद बढ़ाए, एक टाइमली खाना सिस्टम बनाया थोड़ा सा, और अब तो सर मैं पहले से ज्यादा डाइट ले रहा हूँ, अब तो मैं किसी भी चीज को डरता नहीं क्योंकि मुझे ये समझ में आ गई कि इसको खाने से मुझे ये असर आएगा तो अगले टाइम थोड़ा कम कर लूंगा उसको मैं, तो अब जैसे घर में पाव भाजी बन गई भटूरे बन गए कभी कभार मैं सब चीज खा लेता हूँ, अब कोई मुझे ऐसी दिक्कत नहीं लगती मेरी। तो आपने देखो क्या है कि आपको जानना बहुत जरूरी है कि किसमें कितना आपको होता है, ये सब जानना बहुत जरूरी है, जिससे कि आप उसको ये सब कर सको, ठीक है। और आप इस तरह से आप प्रॉपर डाइट लेकर के आप डायबिटीज कंट्रोल कर सकते हो, और बाकी और मैं वीडियो सुनेगा उसके बारे में, ठीक है। तो आई होप इसे नॉलेज मिली कि चेंज करके आप डायबिटीज़ को कंट्रोल कर सकते बिना आप इंसुलिन लिए हुए,
और उससे आपका बॉडी फिट रहेगी, हेल्थ भी फिट रहेगा, सब आपका ठीक होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें। धन्यवाद। तो आपको फिर नेक्स्ट बात करते हैं, और आपको ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं हम।